डे स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्राइम्स अगेंस्ट द प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली टू क्राइम्स द कंप्यूटर क्राइम एंड ऑर्गेनाइज क्राइम क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थेफ्ट और डैमेज टू समन एल्स प्रॉपर्टी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो मटीरियल हो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ही हों वो वर्चुअल भी हो सकते हैं जिसको कि हम कंप्यूटर क्राइम कहते हैं सचैज हैकिंग एंड आइडेंटिटी थ कॉमन फॉम ऑफ प्रॉपर्टी क्राइम इन द डिजिटल एज तो आपकी जो डिजिटल आइडेंटिटी होती है वो भी आपकी प्रॉपर्टी होती है इसी तरह से आपका जो ईमेल है आपके जो बाकी रिसोर्स बाकी रिसोर्स से मुराद ये है कि जैसे आपके बैंक अकाउंट हैं आपके और इम्पॉटेंट कॉन्फिडेंशल कनेक्शंस हैं विद योर वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी का हिस्सा होते हैं तो इस डिजिटल प्रॉपर्टी को थेफ्ट करना थ्रू डिफरेंट बाय यूजिंग डिफरेंट मेकनिज़म्स ऑफ हैकिंग जैसे कि फ़िशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक फ़ेक ई मेल जनरेट की जाती है और उस फेक ई मेल के ज़रिए आपको ये बावर करवाया जाता है कि शायद ये ई मेल जो है ये आपके बैंक की तरफ से है या आपके आ, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है या आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिसके कि आप मेंबर हैं तो आप जब उसको क्लिक करते हैं तो आपको रियलाइज़ करवाए बग़ैर आपका पासवर्ड जो है वो हैक कर लिया जाता है और इस प्रोसेस के नतीजे में बहुत से लोग जो हैं वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज और हती के अपने ऑनर रिस्पेक्ट से भी हाथ धो बैठते हैं तो आज के डिजिटल एज के अंदर ये क्राइम्स जो हैं इनको भी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है वो अपने मैकेनिज्म और सोशल कंट्रोल के ज़रिए जो है वो काबू करने की कोशिश करता है इसके हवाले से कवानी मुरतब किए जाते हैं उन कवानी के हवाले से लोगों में जो है वो अवेयरनेस पैदा की जाती है पाकिस्तान में भी जो है वो साइबर क्राइम्स की सूरत में जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं उनसे रा किया जा सकता है और इस हवाले से एफ़ आई आर लॉन्च की जा सकती है और इस तरह के जो थेफ्ट्स हैं या आइडेंटिटी थेफ्ट्स हैं या इस तरह की जो हैकिंग है उसके हवाले से कवानी मौजूद हैं सो ऑर्गेनाइज क्राइम रिफ़र्स टू द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ दैट आर प्लान्ड एंड कैरिड आउट बाय द ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। सो इन पाकिस्तान द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज़ ऑफ्टन एसोसिएटेड विद ड्रग ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग ऑफ गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स तो इस तरह के बहुत से ऑर्गनइज क्राइम्स हैं जिसमें एक तो क्रॉस बॉर्डर जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं दूसरा जो ह्यूमन स्मगलिंग है जिसमें के लोग माइग्रेशन के लिए इमिग्रेशन के लिए जो है इलीगल वेज़ या रास्ते अख्तियार करते हैं और बाज़ात उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो जान से भी हाथ धो बैठते हैं तो इस तरह के क्राइम्स के अंदर भी जो है ये ऑर्गेनाइज्ड या ग्रुप की सूरत में लोग इन्वॉल्व होते हैं इसके साथ साथ जो स्मगलिंग होती है जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग होती है ऐसी पर्टिकुलरली ऐसी एशिया की जिनको के एक कंट्री के अंदर बैन कंसीडर किया जाता है उनकी स्मगलिंग के अंदर भी ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं तो ओवरऑल चाहे ये आ, डिजिटल फॉर्म के अंदर हो या आपके रियल वर्ल्ड के अंदर हो ये जो ऑर्गनाइज क्राइम्स होते हैं इसके हवाले से ला इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ डिफरेंट मेकनिज़म्स ऑफ सोशल कंट्रोल अडॉप्ट करती हैं और सोशालजिस्ट का इंटरेस्ट इसके अंदर ये होता है कि वो ये देखे कि कैसे ये ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो हैं वो कमिट किए जाते हैं इनका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है और इनके पैटर्नस क्या होते हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट पैटर्नस ऑफ बिहेवियर हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल लोग जो हैं क्यू हैकिंग की तरफ रागब होते हैं और बात तो ये भी होता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ फ़न जो है लोग दूसरों के अकाउंट्स हैक करते हैं तो सोशालोजस्ट के लिए इस तरह के रवैये जो हैं उनको जानना और उनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ऑन फॉर द सेक ऑफ़ सोशल इंटरवेंशन एंड पॉलिसी रिफॉर्मेशन